छिंदवाड़ा में सड़क किनारे घुसी कार में रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी राजेश साहू का अधजला शव मिलने से सनसनी फैल गई। आला पुलिस अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। माहुलजर थाना क्षेत्र के रैनीखेड़ा से छेरपा के बीच सड़क किनारे घुसी कार में रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी राजेश साहू का अधजला शव मिलने से सनसनी फैल गई है। हालांकि इस मामले में पुलिस अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। रिटायर्ड अधिकारी का शव कार में मिला था जो बुरी तरह झुलसा हुआ था। सूत्रों की माने तो पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि कार में शव कैसे व किन कारणों से जला है, जबकि कार पूरी तरह सुरक्षित है। पुलिस को कार में शव मिलने की जब सूचना मिली थी, उसके बाद एसपी विवेक अग्रवाल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव उइके घटनास्थल पर पहुंचे थे। तब देर रात तक अधिकारी माहुलझीर थाने में मौजूद रहे। इस मामले में पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है। रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी की मौत को लेकर गुत्थी सुलझाने के बजाय उलझती ही जा रही है। इस मामले में पुलिस ने बताया कि भोपाल में रहने वाले परिजनों को भी नहीं पता था कि वो छिंदवाड़ा के लिए निकले हैं। उसके बाद पुलिस ने ही शव की शिनाख्त कर परिजनों को इस बारे में जानकारी दी थी। मृतक राजेश साहू के बेटे को भी इस बारे में जानकारी नहीं थी, जबकि शनिवार रात 9 बजे पिता से भी बात हुई थी। मौत संदिग्ध होने की वजह से इसकी बॉडी को जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा रेफर किया जा रहा है। एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम बॉडी मालजल थाने के रैनीखेड़ा और ऑडिटोरिया के बीच रोड में थी सर। रोड के अंदर गई थी गाड़ी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।